कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई को मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। इसके बाद शाम को राहुल गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, कहा कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, मुझे इसकी क्लैरिटी है। जिन लोगों ने मदद की है, जनता ने जो सपोर्ट किया, उसके लिए हमेशा थैंक यू और उनका शुक्रिया होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सारे लोग खुश हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारी बातें नेगेटिव जाती हैं, कभी पॉजिटिव भी होती हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, अभी संविधान जिंदा है, न्याय मिल सकता है। सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं, भारत की जनता और डेमोक्रेसी की जीत है। इसका बहुत बड़ा फायदा देश को होगा। जो व्यक्ति सच्चाई, देश के हित, देश की मजबूती लाने के लिए बढ़ती महंगाई के लिए लड़ता है, जो व्यक्ति लोगों को जागरूक करने के लिए कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर से चलते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, किसान, मजदूरों से मिले, ये सब उनकी दुआएं हैं। राहुल गांधी को हटाने के लिए 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखना होगा दोबारा सांसदी कब बहाल होती है, करते हैं या उसका इंतजार करना पड़ेगा। मोदी सरकार भले ही बाहर ना बोले, अंदर तो बोल सकते हैं। ये क्या हुआ, इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वायनाड के लोग भी खुश नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नसीहत दी है कि भाषण के वक्त उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इस फैसले के बाद राहुल गांधी संसद सत्र में हिस्सा ले सकेंगे, उनकी सांसदी बहाल होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस पीआर नरसिंह और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने की राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पुनेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने दलीलें दी। राहुल ने लिखा, मेरी जिम्मेदारी वही रहेगी, आइडिया ऑफ इंडिया की रक्षा करता रहूंगा। वहीं राहुल गांधी की सांसदी बहाली होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। सभी लोगों के द्वारा पटाखे बांटकर व मिठाई बांटकर कांग्रेस कार्यालय पर जश्न मनाया गया। अमित जीजू, दिल्ली, समाचार 24। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते, जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक
4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोगों से मिले, और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी, और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। आया जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आने आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है, हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। और ये मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा, चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है, और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं, और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे। और ओर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जब राहत मिलने के बाद से ही कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न का माहौल है। दोपहर से ही जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में आया, तभी से कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। हालांकि शाम को जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जितनी तेजी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सदन से बाहर किया गया है, उतनी ही तेजी से स्पीकर राहुल गांधी को दोबारा सदन में लाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी कितनी जल्दी सदन में पहुंचते हैं, क्या वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद रहते हैं या नहीं रहते हैं। अमित जुजू, समाचार 24, दिल्ली। फिरोजाबाद।